वेक्टर में हम लोग आज की क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, स्पेशली जो कोप्लेनर्स के क्वेश्चंस हैं वो तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि पहले बताया भी था कि एक कोई दो वेक्टर लेते हैं, उनका क्रॉस करते हैं तो वेक्टर आता है, और कोई दो वेक्टर लिया उनका डॉट किया तो नंबर आया। डॉट जब भी परफॉर्म करेंगे, जैसे यहाँ दो वेक्टर्स का डॉट, कोई भी वेक्टर हो डॉट करेंगे तो नंबर ही मिलेगा हमें। नंबर एज ए स्केलर होता है, तो डॉट करने पर स्केलर मिलता है और क्रॉस करने पर वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है। अब हमें यहाँ पे देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि तीन क्वांटिटी हैं, ट्रिपल का मतलब तीन क्वांटिटी हैं, उनका प्रोडक्ट होगा और मिलेगा क्या हमें, एक जो भी मिलेगा वो नंबर होगा। क्या मिलेगा? नंबर। नंबर होने की वजह से स्केलर हुआ। तो अब हम ऐसा क्या प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब है दोनों चीज़ें प्रोडक्ट ही हैं, प्रोडक्ट का स्पेशली कोई मतलब नहीं है कि इसको डॉट बोला जाए या क्रॉस, दोनों ही प्रोडक्ट हैं, वेक्टर के प्रोडक्ट दोनों ही हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं जैसे जैसे। तो अगर हम यहाँ पर ए का डॉट बी से करें, पहले ए डॉट बी कर दें तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, नंबर। और नंबर का डॉट सी से करें तो क्या मिलेगा बताइए, क्या मिल जाएगा? हाँ तो ये ठीक है, नॉट पॉसिबल हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। नंबर का वेक्टर से ना तो क्रॉस कर सकते हैं, ना ही डॉट और ना ही क्रॉस पॉसिबल है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दिमाग में रखें, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो डॉट तो पहले कर नहीं सकते हैं, क्या करें पहले, क्रॉस करें। क्रॉस करने से क्या मिला, वेक्टर। अब वेक्टर का सी से अब क्या करें, अगर क्रॉस कर दिया तो क्या मिला, वेक्टर मिल जाएगा। तो क्रॉस करने के बाद क्या कर दें, डॉट कर दें। तो ये देखिए हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया, आया क्या, स्केलर। और ये हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों चीज़ें आप नोट कर लें। तो ए क्रॉस बी डॉट सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आगे जो ट्रिपल प्रोडक्ट में हम देखेंगे, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करेंगे। अब एक बार स्केलर आएगा और एक में वेक्टर आएगा, जैसे हमने डॉट और क्रॉस देखा था दो वेक्टर्स का, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को पहले मैनुअली करके देखा, जो यहाँ पर दिखाया हमने, यहाँ पे तीन वेक्टर्स हमने सपोज किए हैं, वेक्टर्स को एज ए पॉइंट फॉर्म में लिया है, तो आप इतना तो आप जान ही गए होंगे कि a1i, a2j और a3k के कंपोनेंट को हाईलाइट कर देते हैं। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो i j k यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, इतनी बात यहाँ समझ में आई। तो हमने क्या किया, पहले a क्रॉस हमें निकालना है बेसिकली, a क्रॉस b डॉट c, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्टेप को हम यहाँ पे आपके सामने दिखा रहे हैं, बस आप उसको क्या करिए, देखते रहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इस वाले स्टेप में देखिए, हमने मैनुअली ए क्रॉस भी दिखाया तो ये आया, उसका डॉट सी से करेंगे तो आपको पता ही है कि इसका डॉट इससे जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक। ये एक्सप्रेशन ऐसा करने के बाद ऐसी आई। अब हमने यहाँ दिखाया कि अगर ए क्रॉस बी डॉट सी करें इस डिटरमिनेंट में, मतलब कहने का मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो वेक्टर के कॉम्पोनेंट पहली रो में, बी वेक्टर कंपोनेंट दूसरी में, और सी वेक्टर कंपोनेंट तीसरी रो में, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे कर देते, इसका मतलब है सी क्रॉस ए क्रॉस और डॉट बी, यही तो है। तो यहाँ पे करते तो इसका डिटरमिनेंट जो निकल गया ये आया। अब ये देखिए, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट क्या हुआ, बराबर है, ठीक है, ये डेटा बराबर। तो मतलब इतने स्टेप ना जाके आप सीधे यहाँ आ सकते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो डिटरमिनेंट से सीधे करेंगे। तो आप जैसे पूछा जाए, लोगों से पूछा जाए कि आप ऐसा करना चाहो कि ऐसा, तो सारे लोग, मैं खुद बोलूँगा कि ऐसा करना चाहूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो हम ऐसा कर देंगे। आप देखिए एक चीज़ और सीखेंगे कि अगर हम रो को इंटरचेंज कर दें, क्या करें, जब रो को इंटरचेंज करते हैं, अब कहने का मतलब इस वाली रो को इस वाली रो से इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज किया,
जब भी डिटरमिनेंट में रूट इंटरचेंज करते हैं तो माइनस लग जाता है, क्या लग जाता है? a1 a2 a3 प्रॉपर्टी है कि कोई भी रो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बसरते उसके साइन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। चेंज कर दिया, फिर हमने क्या किया, एक बार फिर से इस रो को इंटरचेंज किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। जब हम दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और जब माइनस प्लस होगा तो आप देखिए यारी मिल जाएगी आपको भाई, a1 a2 a3 यहाँ रहेगा, ये इधर चली जाएगी तो b1 b2 b3 हो जाएगा, ये इधर जाएगी c1 c2 c3 हो जाएगी। तो ये इसको लिखा गया a क्रॉस b डॉट c, और इसको लिखा गया c क्रॉस a डॉट b, दोनों बराबर ही तो हैं, तो यानी कि यहाँ प्रूव हुआ a क्रॉस b डॉट c बराबर ये क्या आया, c क्रॉस a डॉट b। अगर ऐसे ही देखेंगे तो a b c, अगर आप इस देखिए ध्यान दीजिए a b c, तो a b c, अब उसके बाद c a b, और ऐसा एक और कौन सा रोटेशन बना है, क्या b क्रॉस c डॉट a, ये तीनों एक जैसे हैं, इनको आप क्या है साइक्लिक ऑर्डर में लिख दीजिए बॉक्स के अंदर, a उसके बाद b उसके बाद c, तो ये बॉक्स के अंदर a b c को आप चाहें a क्रॉस b डॉट c बोलें, c क्रॉस a डॉट b बोलें, या b क्रॉस c डॉट a बोलें, ये तीनों एक ही जैसे हैं, एक ही इनकी वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड वाइज, जिसको आप ऐसे निकालें ऐसे निकालें वैसे निकालें, ये आपके सामने है। पर आपको पता है कि आप अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, जहाँ भी बी क्रॉस सी डॉट ए होगा तब भी उसको ए बी सी लिखेंगे, और सी क्रॉस ए डॉट बी होगा तब भी ए बी सी में लिखेंगे, और ए क्रॉस बी डॉट सी होगा तो क्या लिखेंगे, ए बी सी। और उस ए बी सी को कैसे लिखेंगे, पहले वाली रो में ए के कोफिशियंट, फिर दूसरी रो में बी के कोफिशियंट, तीसरी रो में सी के, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। अगर यहाँ ध्यान दें, अगर इस तरीके से पहले a आया है तो a के कंपोनेंट, b आया है तो b के कंपोनेंट, और c आया तो c के कंपोनेंट, तो इसको a b c बोला गया, तो यहाँ पर पहले a आया फिर c आया फिर b आया, तो इसका मतलब माइनस a उसके बाद c उसके बाद b, तो हम इसको अब यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, a के बाद c जाना है, तो a के बाद c गया है, तो देखिए ऐसे जाने पर एंटी क्लॉक था पॉजिटिवली आ गया, इस तरीके से रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे कैसा है क्लॉक है, और क्लॉक वाइज कैसा हो गया नेगेटिव। तो अगर आपने कर दिया माइनस ए के बाद, ए के बाद बी था, ए के बाद सी ले लिया और बी ले लिया, तो जब भी आप क्या करेंगे ऑर्डर को साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी की ऑर्डर को आप साइक्लिक चेंज कर देंगे तो वो क्या होगा, अपने आप में मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, बट क्या हो जाएगा साइन उसका चेंज हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू लैम्डा आ रही थी, ए बी सी की वैल्यू लैम्डा आ रही थी, तो ए सी बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस लैम्डा, अगर उसकी वैल्यू 2 आ रही तो क्या आएगी माइनस 2। सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और ये भी दिखाया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट्स में आप बना सकते हैं, और डिटरमिनेंट में जो भी प्रॉपर्टी फॉलो होगी वो यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। तो जिस चीज़ को अभी हमने प्रूव किया था उसको एक बार फिर से ब्रीफ कर रहे हैं, आपको एक बार शॉर्ट में समझा रहे हैं कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको बॉक्स में लिखते हैं ए बी सी, तो इसका मतलब है कि आप, हमने यहाँ फिगर आउट किया है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की विपरीत दिशाओं में लिए गए हैं, रोटेशन के थ्रू आप जाते हैं तो ये घड़ी की विपरीत अपोजिट डायरेक्शन है। तो देखिए ए बी सी, तो घूमेंगे तो ए बी सी, फिर उसके बाद बी सी ए और सी ए बी, जहाँ पर क्रॉस रखा है उसमें हमने ब्रैकेट लगाया है, और जहाँ डॉट रखा है ब्रैकेट के बाहर रखा है। ऑर्डर को आप ध्यान रखेंगे, जब भी इस ऑर्डर में बढ़ेंगे चाहे ये चाहे ये चाहे ये, वो ए बी सी के बराबर आएंगे। जब ऑर्डर को आप साइक्लिक ऑर्डर मतलब रोटेशन को ए सी बी, तो देखिए यहाँ पे जाइए ए सी बी, या इधर जाइए तो सी बी ए, तो जब भी आप रोटेशन को चेंज करेंगे तो उसके सामने आगे क्या लगा देंगे माइनस। ए बी सी को कैसे लेना है, पहले में दूसरे में तीसरे में, इसको हमने एक एग्जांपल समझाया है। अगर आप वेक्टर्स को इस तरीके से लेते हैं तो ए बी सी अगर निकालना होगा तो पहली रो में कोफिशेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दूसरी रो में कोफिशेंट ऑफ सेकेंड, एंड रिस्पेक्टिव ऐसे ही करेंगे। आप डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है, जैसे आप इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने सबसे पहले यहाँ पे पहले ही लिख दिया पहला स्टेटमेंट कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इवैल्यूएटेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट से इवैल्यूएट किया जाए तो ये सारी डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो आप एडवाइस किया जाता है कि आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से जान लें, जैसे कि यहाँ पर
हमने दिखाया कि ए बी ए वेक्टर लिया या बी बी सी वेक्टर लिया सी, तो इनमें हमारी कोशिश सही है कि तीन में से दो वेक्टर को सिमिलर कर दिया। एग्जांपल में दिखाया कि ए क्रॉस बी डॉट ए, तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया था कि जिस ऑर्डर में वेक्टर्स आएंगे कोफिशेंट्स भी डिटरमिनेंट उसी तरीके से सजाए जाएंगे रखे जाएंगे। तो ए वेक्टर ए पहली बार पहले पोजिशन पर हैं तो उसके कोफिशेंट्स यहाँ पर लिए गए, जैसा कि पीछे हम लोग वेक्टर सपोजिशन कर चुके थे वही हम आगे बढ़ा रहे हैं। वेक्टर बी के कोफिशेंट यहाँ रखे गए और वेक्टर ए के अगेन यहाँ कोफिशेंट रखे गए। डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम, दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, समान हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ज़ीरो। तो इन सारी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। कोई भी दो वैक्टर आपको समान दिखे आप तुरंत उसकी वैल्यू क्या करेंगे? ज़ीरो कर देंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एनी टू वैक्टर्स आर इक्वल आइडेंटिकल सेम देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। तो कभी भी ऐसा आया तो आप कर ले, जैसे कि आपको दिया गया है वेक्टर ए 2i प्लस जे प्लस 3k और वेक्टर बी i प्लस जे प्लस 2k और वेक्टर सी दे दिया गया i माइनस जे प्लस 2k। बट आपसे कराया गया कि a क्रॉस b डॉट b, तो आप डिटरमिनेंट से निकालोगे तो a क्रॉस b डॉट b निकालोगे तो इसी डिटरमिनेंट से निकालोगे तो पहले में कोफिशेंट आएंगे 2 1 3, दूसरे में b के कोफिशेंट आएंगे 1 1 2 और तीसरे में फिर से बी के कोफिशेंट आएंगे 1 1 2। अब दो रो आइडेंटिकल हुई तो वैल्यू क्या आई? जीरो। तो जब भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाती है तो वैल्यू क्या आ जाती है? तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यही है। ठीक।